हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया फर्स्ट क्लास? चलिए, मैं भी बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास। चलिए बच्चों, अब अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। होप यू होपफुली आप लोगों ने सब कुछ अब तक पढ़ लिया होगा, समझ भी लिया होगा। चलिए चलते हैं। उससे पहले लेकिन अपने काम तो करते ही हैं, 5 मिनट हम रिवाइज तो करते हैं। लास्ट क्लास में हमने किया कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। सबसे पहले पढ़ा क्या? एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड में क्या? बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म देयर प्रॉमिस। बोथ द पार्टीज अपना परफॉर्मेंस कर दिया है। मैगी का एग्जाम्पल दिया था कि मैगी कर दिया है सेल और पार्टी ने पेमेंट कर दिया है। दूसरा इंस्टीट्यूट का फी का एग्जाम्पल दिया था, याद है कि साथ के साथ पेमेंट हो रही है। नेक्स्ट था एग्जीक्यूटरी विच हैज टू बी परफॉर्म इन नियर फ्यूचर। कहाँ पर? नियर फ्यूचर में उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट किया जाना है। ठीक है, यस। एग्जाम्पल था क्या? डी ट्यूशन के लिए एग्री करते हैं। डी इज ए टीचर, डी एग्रीज टू टेक द ट्यूशन ऑफ मिस्टर एफ। ट्यूशन लेना चाहते हैं, यस। और बाद में एफ भी बोलते हैं, यस आई विल पे द कंसंट्रेशन इन नेक्स्ट मंथ। यस नेक्स्ट मंथ में दूंगा, नो प्रॉब्लम। द कॉन्ट्रैक्ट को अभी कंप्लीट किया जाना है। कॉन्ट्रैक्ट इज येट टू बी कंप्लीटेड। कॉन्ट्रैक्ट इज येट टू बी कंप्लीटेड। कॉन्ट्रैक्ट को भी कंप्लीट किया जाना है। क्लियर? चलिए, कॉन्ट्रैक्ट को डन किया जाना है। कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म किया जाना है। अभी इसी में हमने पढ़े बच्चे, दो कॉन्ट्रैक्ट क्या थे? एक था एग्जीक्यूटरी में, एक यूनिलैटरल, एक बायलैटरल। यूनिलैटरल कौन सा? एक साइडेड कॉन्ट्रैक्ट। अभी वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट भी इनको बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जाना है। कौन सी साइड से? केवल एक साइड से। दूसरी साइड से हो चुका है, एक साइड से पेंडिंग है, एक साइड से आउटस्टैंडिंग है। एग्जाम्पल दिया था और कुछ करेक्शन भी कराया था। यस नेक्स्ट करते हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जो बोथ थर्ड बोथ पार्टीज के एंड पर अभी पेंडिंग है, बोथ पार्टीज को अभी कंप्लीट करना है। तो दीज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वी कैन से क्या है? बायलैटरल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इतना क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। प्रपोजल ओब्लिक ऑफर, बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छी चीज है। क्या कहते हैं? प्रपोजल ओब्लिक ऑफर। सिंपल शब्दों में बोल रहा हूँ, अच्छे, विल यू मैरी मी, ऐसा कोई कहता है। सपोज ए कहता है बी से, क्या कहता है? विल यू मैरी मी। बस ये कहता है बी से, क्या आप मुझसे शादी करोगे? ये कहता है बी से, मुझसे शादी करोगे क्या? विल यू मैरी मी, क्या मतलब हुआ? मुझसे शादी करोगे क्या? मुझसे शादी क्या? अपने अभी ना एक सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, मुझसे शादी करोगी, सेम वही, मुझसे शादी करोगे। ये क्या कर रहा है? ये बच्चों प्रपोजल कर रहा है, अभी ऑफर दे रहा है। मिस्टर ए बी को क्या दे रहे हैं? ऑफर दे रहे हैं, प्रपोजल दे रहे हैं, ऑब्लिक ऑफर दे रहे हैं। सिंपल सिंपल शब्दों में किस चीज के लिए? उनकी यस, उनकी एक्सेप्टेंस के लिए। किसके लिए? उनकी एक्सेप्टेंस के लिए प्रपोजल दे रहे हैं। किसको? बी को। तो ए इस केस में क्या है? ए इज ए ऑफरर। ए क्या है? ऑफरर। ए क्या है? ऑफरर। और बी क्या है? ऑफरी। ए ने कहा बी को, मुझसे शादी करोगे। बी ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है, या वो रिप्लाई देते हैं, वट एवर, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस केस में ए को क्या कहा जाएगा? ए हैज मेड ए प्रपोजल। ए ने प्रपोजल दिया है किसको? बी को। सो ये क्या बोला जाता है? प्रपोजल ऑब्लिक ऑफर आर द सेम थिंग, नो टेंशन, इसमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। जैसे आप देख सकते हैं, ये दे रहे हैं प्रपोजल, क्या मुझसे शादी करोगे क्या, बता रहे हैं। ये ए है और ये बी है। क्लियर? दे रहे हैं एग्जांपल, ए बी को, यार मुझसे शादी करोगे क्या। सिंपल
इस चीज को बोला जाता है ऑफर। चलिए अब अच्छे से पढ़ते हैं, इसको नोट डाउन प्लीज। ए ने बी को कहा विल यू मैरी मी, यस ए विल बी कॉल्ड एज ऑफरर, बी विल बी कॉल्ड एज ऑफरी, क्लियर। विल यू मैरी मी एग्जाम्पल लिख लिया। चलिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A, व्हाट डू मीन बाय एन ऑफर, व्हेन वन पर्सन विल सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस, इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट, इच्छा, वो अपनी इच्छा बता रहा है। एक पर्सन मिस्टर ए, यहाँ पर एक पर्सन हम बोलते हैं, सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन बी को अपनी इच्छा बता रहा है कुछ करने या नहीं करने की। टू डू और नॉट टू डू, ऑब्टेन समथिंग, ये सब बातें भी बताता हूँ, चिंता नहीं, अपनी इच्छा बता रहा है बस। ए बी को अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है, विल यू मैरी मी, सिंपल, यहाँ तक विलिंगनेस टू डू, यहाँ तक ही पढ़ना बच्चों, भी बाकी की बातें बाद में करते हैं। When one person will signify to another person his willingness, अपनी इच्छा जता रहा, अपनी इच्छा बता रहा, yes, it will be called an offer, one thing, clear, simple। दूसरी बात करते हैं, or not do something, abstain with a view to abstain, obtain the assent of such person to such an act or abstinence, he is said to make a proposal। ओहो सर क्या लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, बड़े अजीब सा लग रहा है। चलिए abstain का मतलब होता है रोक, सिंपल शब्दों में रोकना। इसके लिए एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं, ढंग से ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। एब्स्टेन का मतलब होता है रोकना, क्या कहते हैं इस केस में, ध्यान सुनिएगा। मिस्टर ए, दूसरे मिस्टर ए नहीं, ए भी को हटाते हैं, अब आर और एस करते हैं, रणवीर और दीपिका को लेते हैं, रणवीर और दीपिका। सपोज रणवीर जी रास्ते से जा रहे थे, अभी तो उनकी मैरिज हो गई, मैं उससे पहले, मैरिज से पहले की बातें बता रहा हूँ। सपोज रणवीर जी अपनी कार से जा रहे थे, किसे जा रहे थे, अपनी कार से जा रहे थे, किस में, स्पीड में बहुत तेज, और दीपिका एकदम से रोड पर आ गई, चलते चलते एकदम फोन पे बात करते करते दीपिका मैम कहाँ आ गई, अपने एकदम ऑन द रोड आ गई, और रणवीर की गाड़ी से दीपिका का क्या हो गया, एक्सीडेंट, बहुत जोर से नहीं हुआ, रणवीर जी ने बहुत जोर से ब्रेक लगा दिया था, तो थोड़ी सी गाड़ी जो है दीपिका को लग गई, थोड़ी सी गाड़ी का बम्पर जो है दीपिका को टच हो गया, दीपिका रोड पर फेल हो गई, रोड पर गिर गई, फेल ऑन द रोड। अब दीपिका तो दीपिका है, गुस्सा आएगा, कहती है मेरे को नीचे गिरा दिया रोड पर, मैं तुम पर केस करूंगी, तुमने मुझे चोट लगा दी, मेरे को चोट लग गई, कुछ चोट नहीं, हल्की सी फुल्की सी, जैसे हम लोगों को लग जाती है कभी कभी, हल्का सा, जिसको कहते हैं कैसे खरोंच लग गई है, खरोंच लग गई ना, वैसे वाला लग गया, लेकिन दीपिका इज एन एक्ट्रेस, सो उन्होंने कहा रणवीर सिंह को, क्या मैं तुम पर केस कर दूंगी, किस चीज के लिए तुमने मुझे एक्सीडेंट किया है। तो रणवीर क्या कहता है, वैसे आप भी ना चलते चलते आ रही थी, गलती मेरी नहीं है आपकी है, दोनों के बीच में अल्टीमेटली थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो रहा था, लेकिन फाइनली अब केस नहीं हो, रणवीर सिंह उस केस से बचना चाह रहा है, तो रणवीर क्या कहता है, ध्यान सुनना, रणवीर कहता मैम, दीपिका मैम, आप मुझ पर केस मत करो, केस मत करो, मैं आपको 5 लाख रुपीस दे देता हूं, आप मुझ पर केस मत करो, मैं केस नहीं करोगे अगर मुझ पर, रणवीर कहता है अगर दीपिका जी आप मुझ पर केस नहीं करोगे तो मैं आपको कितने पैसे दूंगा, 5 लाख रुपीस दूंगा। दीपिका को वो क्या दे रहा है, रणवीर दीपिका को केस को नहीं करने के लिए क्या दे रहा है, ऑफर, क्या दे रहा है, ऑफर, किसी काम को नहीं करना है, किसी काम को
नहीं करना है, उस काम को नहीं करने के लिए क्या दे रहा है, ऑफर दे रहा है। यस सर, 100% यस, कि काम को ये नहीं करो, इस नहीं करने के लिए, इस काम को नहीं करने के लिए मैं आपको 5 लाख रुपीज दूंगा। दीपिका जी, यू प्लीज डोंट सू मी, यू प्लीज मेरे को केस नहीं करो, अगर केस नहीं करोगे तो मैं आपको 5 लाख रुपीज पे करूंगा। कोर्ट में जाएंगे, आप भी परेशान होंगे, मैं भी परेशान होऊंगा, कोर्ट कितना दे देगी आपको, 5 लाख तो नहीं देगी, हो सकता है 2 लाख दे दे, 3 लाख दे दे, तो यस कोई बात नहीं, आप भी टेंशन फ्री रहिए, मैं भी टेंशन फ्री रहता हूँ। तो इन दैट केस ये क्या कहा रहा है रणवीर जी, क्या कह रहे हैं दीपिका जी को, यस केस मत करो, केस मत करो, केस नहीं करोगे उसके लिए मैं आपको क्या दे रहा हूँ, 5 लाख रुपीज दे रहा हूँ। इस चीज को वो क्या कह रहा है, ऑफर कर रहा है। इस चीज को ही बोला जाता है बच्चों एब्सिस्टेंस। क्या बोला जाता है, एब्सिस्टेंस, कुछ काम को नहीं करने के लिए कहना, ऑफर करना, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑफ एब्सिस्टेंस। एब्सिस्टेंस मतलब किसी काम को करने से रोकना, किसी काम को नहीं करो उसके लिए मैं ऑफर दे रहा हूँ। सो प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक प्लीज वंस, आराम से, यस आर रणवीर सिंह ने दीपिका को एक्सीडेंट किया। चलिए नेक्स्ट क्लासेस से, और नेक्स्ट का आज से बच्चे थोड़ा सा और हम चीजों को और थोड़ा सा नॉर्मल करेंगे, बात करते हैं कैसे। मैं एक बार आपको लिख देता हूँ, बता देता हूँ, मीन वाइल आप लिखना कुछ नहीं, सिर्फ समझना, क्लियर। उसके लिए बाद जब मैं यहाँ पर नोटिंग कर दूंगा उसके बाद यू प्लीज टेक योर पेन एंड नोटबुक एंड राइट डाउन। क्योंकि क्या होगा बच्चों, जब मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं आपको समझा रहा हूँ, इन दैट केस आप साथ साथ अगर लिखते हैं तो यस दिमाग दोनों चीजों में चलता है, आपका लिखने में भी चल रहा है और सुनने में भी चल रहा है, सो दैट इम्प्लीकेशन बढ़िया नहीं रहता है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं रहता। सो फ्रॉम नाउ आई पॉज, लिखने के बाद 2 मिनट का मैं होल्ड लिया करूंगा, सो दैट आप अच्छे से लिख ले, आप अच्छे से समझ ले, कोई बात नहीं। मनोदो स्टूडेंट का मैसेज आया, सर थोड़ा सा ऐसा कर लेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। आई सेड ओके, नो इश्यू, क्लियर। तो आप लोग बस एक बार ऐसे समझ लेना, कोई टेंशन नहीं। आप लोगों को कोई भी इशू आए बच्चों, कोई भी टेंशन रहे, यू आर फ्री टू मैसेज, यू आर फ्री टू कॉल, नो प्रॉब्लम। जैसे हमें समय लगेगा हम आप लोगों से बात कर लेंगे या मैं इस पर आपको रिप्लाई दे देंगे। चलिए नोट कर लीजिए, रणवीर ने दीपिका को कहा केस फाइल नहीं करो, आई विल गिव यू 5 लाख। ये क्या कहा रणवीर इस केस में, क्या है रणवीर इस केस में है बच्चों, ऑफरर। यस और नो, रणवीर क्या कर रहा है, ऑफर किसको, दीपिका को, दीपिका क्या है, ऑफर क्या है, सिंपल डन। चलो आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं पहला केस। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन इज विलिंगनेस, अपनी इच्छा बताता है, to do or not to do something, क्या कुछ नहीं करो किस काम के लिए, with a view to obtain the assent of such person, इस assent का मतलब हाँ, such person to act or assistance, वो act या assistance अभी आपको बताया, assistance किसी काम को करने से रोकना, ये इस काम को बोला जाएगा क्या, आपका एब्सिस्टेंस, या आपका टेक्निकल टर्म्स में लैंग्वेज है, मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया है कि उसका क्या मतलब है। पहले केस में अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, विल यू मैरी मी, दूसरे केस में क्या कह रहे हैं, नॉट टू डू समथिंग विद व्यू टू, यस ये काम नहीं करो, प्लीज दीपिका प्लीज मत करो यार, इस काम को नहीं करो, केस फाइल नहीं करो, विद व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ सच पर्सन, सच पर्सन मतलब दीपिका विगेंस, टू एन एक्ट और एब्सिस्टेंस, ही इज सेट टू मेक ए प्रपोजल ऑन एन ऑफर, वो क्या कर रहा है, वो प्रपोजल कर रहा है, कौन कर रहा है, रणवीर सिंह प्रपोजल कर रहा है,
आपको फर्क कर रहा है. क्लियर डन. आई होप 100% डन. द प्रपोजल पर्सन मेकिंग द ऑफर इज कॉल्ड एज प्रोमिसर या ऑफरर, कुछ भी कह सकते हैं. ठीक है, नॉर्मली कुछ भी कहते हैं. ऑफरर इज ए मोर रिलेवेंट वर्ड वी कैन से, है ना, कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे से. सो यू प्लीज राइट ऑफरर. एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट द ऑफर विल बी कॉल्ड एज प्रोमिसी और एक्सेप्टर और ऑफरी, कुछ भी कह सकते हैं. ऑफर भी कर सकते हैं. ओके, जस्ट राइट डाउन द थिंग्स. डन. चलिए आगे चलते हैं. बात समझ आएगा. प्रपोजल क्या है? इच्छा है. एक्सेप्टेंस नहीं हुआ अभी कुछ भी. उन्होंने क्या कहा है? मुझसे शादी करोगी क्या? बस इतना ही है. उन्होंने अभी यस और नो नहीं किया है. उनकी यस और नो लेने के लिए उन्होंने पूछा है. दूसरे केस में उन्होंने कहा यस कि आप मेरे पर केस नहीं करना, उसके लिए मैं आपको कितने पैसे दूंगा? 5 लाख रुपीज मैं आपको पे करूंगा. तो दोनों केसेस में अभी सिर्फ ऑफर किया गया है, इच्छा जाहिर की गई है, वहां से अभी एसेंट आया नहीं है. जब एसेंट आ जाएगा तब ये एक्सेप्टेड हो जाएगा, तब ये प्रॉमिस बन जाएगा. वो सारी बातें हम पढ़ेंगे अभी धीरे धीरे. चलिए क्या कह रहे हैं. ऑफरर विल हैव टू एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा जाहिर करनी चाहिए. ऑफर विल हैव टू एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू यस, मुझसे शादी करोगी, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट, यस उस काम को रोकने के लिए भी. ओनली विलिंगनेस इज नॉट एफर और सिंपली डिजायर टू डू विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर. बात करते हैं, सिंपली बात करते हैं, इस बात का मतलब समझते हैं. चलिए आ जाए अपना नोटबुक पर राइटिंग करने के लिए. क्या कह रहे हैं साथ में जल्दी से. विलिंगनेस इज नॉट ओनली इच्छा जाहिर करना. क्या कैसे? आई एम प्लानिंग टू मैरी बाय द एंड ऑफ दिसंबर 19/20. मिस्टर और राम कहते हैं, ठीक है, उनके पास उनके फ्रेंड्स साथ में 3-4 फ्रेंड उनके आस पास में एसोसिएट हैं, और उनसे वो बात कर रहे हैं. क्या उनको वो कहते हैं, ध्यान से सुनेगा. I am planning to marry by end of 2020. क्या कह रहे हैं? I am planning to marry by the end of 2020. मैं प्लान कर रहा हूं किसको मैरी करने का, कब तक? दिसंबर 2020 का. अब क्या वो ऑफर दे रहे हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को? आंसर इज ही ऑफर नहीं है. हाँ, इसी केस में मिस्टर राम जो है क्या कहते हैं, पॉइंट नंबर 2 को लेते हैं. मिस्टर राम जो है वो सीता से कहते हैं, क्या विल यू मैरी? Will you marry me? In that case, Ram is asking from Sita. Now, अब वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, अब वो ऑफर दे रहे हैं किसको? सीता को. In that case, Ram will be offered and Sita will be offering. पहला एग्जाम्पल, वो प्लान कर रहे हैं, यार मैं शादी करने का प्लान कर रहा हूँ 2020, तो कर लेना भाई, कौन पूछ रहा है यार, कर लो. लेकिन जब वो बोल रहे हैं यस, सीता को बोल रहे हैं या किसी को भी बोल रहे हैं, नो प्रॉब्लम. जस्ट ऐसे ही ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, आपको थोड़ा सा ठीक रहे. चलिए क्या पूछते हैं? विल यू मैरी मी, पूछ लेते हैं सीता से. तो ही इज मेकिंग एन ऑफर. कौन? मिस्टर राम इज मेकिंग एन ऑफर टू सीता.
सो इट विल बी कॉल्ड एज, इच्छा जाहिर की है लेकिन किसके लिए, ऑफर किया है, उस ऑफर में यस और नो होता है तो यस, इच्छा जाहिर करने के बाद उस ऑफर को वो कंप्लीट भी करना चाहते हैं तो यस, जिस इच्छा को आप फुलफिल करना चाहते हैं, जिस इच्छा को आप बता रहे हो उस इच्छा को आप कंप्लीट करना चाहते हैं यस, वो इच्छा आपकी ऑफर होती है, लेकिन कुछ आपकी इच्छा ही है बस, मैं चांद पर जाना चाहता हूँ, तो चांद पर जाने के लिए तो बात करनी पड़ेगी ना किसी ना किसी से, यस नासा से बात करनी पड़ेगी, सर मैं चांद पर जाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे वहां पर लेकर जा सकते हैं, ये क्या होगा, यस ये होगा बच्चों आपका ऑफर, क्या आप मुझे लेकर जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, देन आंसर यस और नो में होगा, वो बात की बातें करेंगे। चलिए बात करते हैं, ऑफरर विल हैव टू एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस, बताया टू डू, अपनी इच्छा बतानी पड़ेगी, ओनली विलिंगनेस इज नॉट एफर्ट, ये बताया केवल विलिंगनेस ही नहीं होनी चाहिए उस काम को करने के लिए, उसका ऑफर का कुछ कंटेंट होना चाहिए, और सिंपली डिजायर टू डू नॉट टू डू विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर, बताया आई एम प्लानिंग टू मैरी, क्या कहता है आई एम प्लानिंग, क्या ऑफर है, आंसर इज नो, लेकिन जब कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो क्या ये ऑफर है, 100% विल बी कॉल्ड एन ऑफर, एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, यस इट कैन बी प्रॉमिस टू डू सम एक्ट एंड कैन ऑल्सो बी प्रॉमिस टू एब्सटेन सम एक्ट ऑब्लिक सर्विस, यस पहला वाला मुझसे शादी करोगी पॉजिटिव, दूसरा वाला इस काम को नहीं करना, इस काम को नहीं करना नेगेटिव, ऑफर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, पॉजिटिव क्या आप मुझसे शादी करोगी, आंसर आएगा बाद में कोई नहीं, लेकिन ये ऑफर क्या कहेगा, पॉजिटिव, दूसरा रणवीर और दीपिका का एग्जाम्पल दिया के इस काम को नहीं करना, इसी के लिए मैं आपको 5 लाख रुपीज पे करूंगा, तो ये कौन सा आपका ऑफर होगा, नेगेटिव ऑफर, क्योंकि आप इसमें क्या बोल रहे हैं, किसी काम को नहीं करने का ऑफर कर रहे हैं, तो बोथ आर वैलिड ऑफर, दोनों ऑफर कैसे हैं, वैलिड ऑफर कहे जाते हैं, क्लियर, इतना डन, चलिए बच्चों आगे चलते हैं फटाफट, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर, अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर मतलब टाइप्स ऑफ ऑफर, वी कैन से टाइप्स ऑफ ऑफर में क्या है, बहुत सारे ऑफर है, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, हाँ जी जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, बस जल्दी ध्यान से आज यही पढ़ेंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ये छोटी छोटी बात है, बस ज्यादा नहीं, चलिए बात करते हैं, सबसे पहले जनरल ऑफर, नाम ही बता रहा है, जनरली जनरली इट इज ऑफर टू द पब्लिक, जनरल ऑफर सभी के लिए ओपन है, सभी के लिए ओपन है, कोई भी करिए, सभी के लिए ओपन है, कोई भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कीजिए, नो प्रॉब्लम, इट इज ओपन टू ऑल, सबके लिए ओपन है, सिंपल लिख देते हैं, जस्ट ऑफर करना है क्या, ओपन टू ऑल, सबके लिए है, कोई भी आए कोई भी इसको एक्सेप्ट, क्लियर, कहते हैं जनरल पब्लिक को किया एट लार्ज पर किया जाता है, और एट लार्ज पर जब किया जाता है तो इसमें से कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, बच्चा बड़ा अच्छा इसमें बच्चों केस लो है, अपन इसको अच्छे से पढ़ेंगे, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ध्यान से इसको समझिएगा अच्छे से, बड़ा मजा आने वाला है, कह रहे क्या, इट इज एन ऑफर मेड टू द पब्लिक एट लार्ज, किसको किया गया, एक बड़ी पब्लिक को किया गया, न्यूमरस नंबर ऑफ पीपल को किया गया, पब्लिक को किया गया, इसके लिए क्या बोला, कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है, 100% कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, क्लियर, 100% कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, एंड डू द डिजायर एक्ट, सिंपली जिस काम के लिए ऑफर दिया उसको कोई भी एक्सेप्टेंस दे सकता है, नो प्रॉब्लम, बात करेंगे अभी कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक, बड़ा अच्छा, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 8 एनीवन परफॉर्म द कंडीशन ऑफ द कैन बी डिजायर टू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, हमने ऑफर दिया
और उस बंदे ने, उस पर्सन ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, वट एवर द कंडीशन वर देयर, यस सिंपल इट विल बी कॉल्ड एज एक्सेप्टेड द ऑफर. यस, इन सब बातों का मतलब समझ में आने वाला बच्चों, भी इस केस लोग हम समझने वाले हैं. अंटिल द जनरल ऑफर इज अट्रैक्टेड और विदड्रॉन, इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन एट एनी टाइम एंड इट इज ए कॉन्टिन्यूइंग ऑफर. यस, क्या कह रहे हैं, जब तक जनरल ऑफर को हटा लिया नहीं जाता या बंद नहीं कर देता, समाप्त नहीं कर दिया जाता, एंड नहीं कर दिया जाता, तब तक ये कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, बिकॉज इट इज एन कॉन्टिन्यूइंग ऑफर. चलिए बात करते हैं, इस केस को समझते हैं. कार्लेज वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस आया था 1893 में. हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के मोस्ट फेमस केस की, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों. एक कंपनी है, एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपल शब्दों में, एक्स वाई जेड लिमिटेड, सो दैट आपको क्लियर हो जाए. एग्जाम में आपको केस लो की डिटेल लिखनी है या सिर्फ केस लो लिखना है? सिर्फ केस लो लिखना है, कोई डिटेल नहीं लिखनी. एक्स वाई जेड एक कंपनी है, उस कंपनी ने क्या कहा, पहले सुन लेना बच्चों, समझ लेना आराम से. लिखने के लिए आई प्रोवाइड सम टाइम नोटिस. एक्स वाई जेड लिमिटेड ने क्या कहा, एक जनरल ऑफर दिया. किसको दिया जनरल ऑफर, किसको देते हैं आप सब समझते हैं, एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज को देते हैं. ये जो एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी थी, ये बच्चों क्या बनाती थी, मेडिसिन बनाती. हम सब क्या होता है, इन्फ्लुएंजा तो किसी को कभी भी हो सकता है, जुखाम एक शब्दों में, छोटे शब्दों में हम कह सकते हैं, जुखाम खांसी ऐसा कुछ होता है. तो यस, कंपनी ने क्या कहा, ध्यान सुनिएगा, कंपनी ने कहा, एक जनरल ऑफर किया एक न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर में क्या दिया, एडवर्टाइजिंग दिया. क्या कहा, कि हम एक मेडिसिन ला रहे हैं जो कि 100 रुपीज की है. ध्यान से सुनने बच्चों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. एक्स वाई जेड लिमिटेड ने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया कि हम एक मेडिसिन ला रहे हैं 100 रुपीज की. कोई भी पर्सन जिसको इन्फ्लुएंजा होगा, जिसको क्या होगा, जुखाम होगा, अगर वो पर्सन जो उस पर कंडीशन लिखी हुई है उसको वैसे ही यूज करेगा, तो यस उसका इन्फ्लुएंजा ठीक हो जाएगा और कभी नहीं होगा, और कभी नहीं होगा. क्या कहा, एक्स वाई जेड लिमिटेड ने कहा, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कुछ इमेजिनरी फिगर्स भी ले लेता हूं, तो प्लीज कंटेंट आपको समझाना है केस लॉ का, कि केस लॉ बेसिकली किस लिए था. तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक्स वाई जेड कंपनी क्या करती थी, मेडिसिन बनाती थी. मेडिसिन में उन्होंने एक इंजेक्शन बनाया, एक दवाई बनाई. यस, क्या कहा, 100 रुपीज का ये इंजेक्शन है, दवाई है, इसको आप ऐसे ही लीजिए जैसे इसको लिखा हुआ है, इसकी कंडीशंस. तो अगर आप इसको ऐसे तरीके से लेंगे तो यस आपका जुखाम ठीक हो जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी जुखाम से रिलेटेड. जुखाम आपकी नोजी जो है वो बढ़िया रहेगी, आप सारा दिन ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, इन्फ्लुएंजा आपका ठीक हो जाएगा, जुकाम खांसी. क्लियर, ये बात बोली गई किसमें, एडवर्टीजमेंट में, पेपर में बताई गई. ये ऑफर कैसा था, जनरल ऑफर था. क्लियर, अब एक लेडी थी जिनका नाम था कार्ले, जो हम केस लो पढ़ रहे हैं. उन्होंने एडवर्टीजमेंट देखा और वो मेडिसिन परचेज कर ली, क्योंकि यार इससे बड़ा तो कोई बात ही नहीं, कंपनी इतना कुछ बता रही है कि यस कुछ नहीं होगा, नो प्रॉब्लम. उन्होंने वैसे ही यूज किया, मिसेज कार्लेल ने वैसे ही यूज किया जैसे उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी, वो ठीक हो गई. लेकिन थोड़े समय बाद फिर से उनको इन्फ्लुएंजा हो गया, ध्यान से सुनना, इसी पर अपना केस लो पूरा.
थोड़े समय के बाद मिसिस कार्लिन को फिर क्या हो गया, फिर से इन्फ्लुएंजा हो गया। तो अब मिसिस कार्लिन ने कंपनी को कहा कि जी आपकी मेडिसिन जो आपने दी थी वो मैंने वैसे ही यूज की जैसे आपने बताया था, लेकिन फिर भी मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया है, तो प्लीज मुझे आप मेरे पेमेंट वापस दे दीजिए, क्योंकि कोई फर्क तो नहीं पड़ा है, कुछ भी रिलीफ तो नहीं आया है। तब एक्स वाई जेड कंपनी ने कार्लिन जी को पेमेंट देने से क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, दे रिजेक्टेड टू मेक पेमेंट। कार्लिन के पास क्या रास्ता है, अपने पास तो एक ही रास्ता रहता है, जब भी अपने कोई बात नहीं सुनता अपन क्या कर दे, सीधा कर दे केस, केस कर दिया बच्चों, कंपनी पर केस कर दिया, कहां पर, कोर्ट में, कोर्ट में क्या कर दिया केस। अब केस सुना गया, कौन सुनेंगे, मिस्टर जज ने सुना, यस क्या कहा गया, यस ये किया गया था। अब एक्स वाई जेड कंपनी कोर्ट में क्या कहती है कि सर हमने जनरल ऑफर दिया था, यस कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिसिस कार्लिन तो बहुत बीमार थी, इनको ये ऑफर उनके लिए नहीं था, इनको इन्फ्लुएंजा ज़्यादा हुआ था, इसके लिए ये दवाई उनके लिए नहीं थी, सो हम पर कोई केस नहीं बनता, हम इनको पेमेंट नहीं देंगे। कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने क्या कहा बच्चों, कि यस ए कंपनी एक्स वाई जेड कंपनी आपने क्या किया है, जनरल ऑफर, जनरल ऑफर मतलब पब्लिक को ऑफर, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, ऐसा किया गया, और मिसिस कार्लिन भी क्या है, पब्लिक ही है, तो आपने जब मिसिस कार्लिन को ऑफर किया, पब्लिक को ऑफर किया, तो यस पब्लिक, तो यस उसमें जो जो कंडीशन लिखी हुई है उसके हिसाब से ही उन्होंने यूज किया, और फिर आपकी जो बातें थी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग वो सही नहीं होती हैं, तो यस यू आर लाइबल टू पे कॉम्पनसेशन टू मिसेज कार्लिन। आप किसको कॉम्पनसेशन देंगे, कॉम्पनसेशन किसको देंगे, तो आप 100% कॉम्पनसेशन देंगे, ये किसने कहा, कोर्ट ने कहा, डिसीजन दिया। सो दैट वॉज द केस इन फैक्ट, क्या, कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। कोई कंपनी बाद में मना नहीं कर सकती कि ये ऑफर तो उनके लिए नहीं था, ये ऑफर उनके लिए था, क्योंकि आपने एक ऑफर कैसे दिया था, आपने ऑफर जनरल ऑफर दिया था, आपने जनरली उस ऑफर को दिया था, जनरल ऑफर मीन्स, जनरल ऑफर मीन्स पब्लिक एट लार्ज। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, नोट डाउन, टेक 2-3 मिनट्स, नो प्रॉब्लम, वैसे तो इतने ज़्यादा नहीं लगते हैं। डाउन, चलिए फटाफट, कंपनी एज एन एग्जाम्पल मैंने एक्स वाई जेड लिमिटेड ली है, बाकी पूरी कंपनी का नाम अभी पढ़ते हैं, कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। केस कौन सा, कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, नाम रखिएगा ध्यान,
हर केस लोग बच्चों आपको केवल नाम ही ध्यान रखना है, आपको कभी भी कुछ और ध्यान रखने की नीड नहीं है। क्या नाम है? कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। बाकी सारे कंटेंट आपको दिए हुए हैं, नीचे एक बार रीड कर लेते हैं फटाफट से। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा केस लॉ का नाम कैसे लिखा जाता है, बात करते हैं। इन दिस फेमस केस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एडवर्टाइज इन न्यूज पेपर दैट इज अवार्ड ऑफ £100 विल बी गिवन टू एनी पर्सन हू कॉन्ट्रैक्टेड इन्फ्लुएंजा आफ्टर यूजिंग द स्मोक बॉल्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मोक बॉल कंपनी अकॉर्डिंग टू प्रिंटेड डायरेक्शंस। यस, क्या के कभी भी नहीं होगा। वन लेडी मिसेज कार्लिन यूज द स्मोक बॉल एज पर द डायरेक्शन ऑन इवन देन सफर्ड फ्रॉम इन्फ्लुएंजा। यस, क्या कहा? हेल्ड मतलब डिसीजन ऑफ द कोर्ट, मतलब डिसीजन ऑफ द कोर्ट, डिसीजन होगा। यस, using smoke ball she had accepted the offer. Yes, she can recover the amount. Yes, she can recover the amount because it was a general offer. चलिए आपको थोड़ा सा बताया था बच्चों, ये लिखा हुआ है जैसे केस लो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, कैसे जाता है इसका क्या मतलब होता है। ये जो पर्सन है, केस इसमें किसने किया? मिसेज कार्लिल ने केस किया किसके ऊपर? कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के ऊपर। तो ध्यान से देखिएगा, कार्लिल कौन कहा जाता है बच्चों यहाँ पर? कार्लिल कहा जाता है प्लेंटिफ, केस करता है अगेंस्ट में किसके? किसके? स्मोक बॉल कंपनी। अब स्मोक बॉल कंपनी को क्या कर रहा था? डिफेंडेंट्स, क्या कर रहा है? स्मोक बॉल कंपनी का कहा गया डिफेंडेंट्स कहा गया। कार्लिल क्या है? प्लेंटिफ। इन्होंने केस फाइल किया किसके अगेंस्ट में? स्मोक बॉल कंपनी। जो केस फाइल करता है उसको क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ। और जिसके अगेंस्ट में केस किया गया उसको क्या बोलते हैं? डिफेंडेंट। उसको क्या बोलते हैं? डिफेंडेंट। डिफेंडेंट उसके क्या बोलते हैं? डिफेंडेंट। तो ध्यान रहेगा कभी भी सबसे पहले प्लेंटिफ का नाम आता है, जिसने केस किया है उसका नाम आता है केस लो में हमेशा, और बाद में जो उसके बचाव में उसके समर्थन में, यस मैंने ऐसा नहीं किया सर, वो जो उसको डिफेंड करता है, मेरे ऊपर जो केस किया गया मैं उसके अगेंस्ट में बात कर रहा हूँ, तो यस उसको बोला जाता है डिफेंडेंट। तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक, कार्लिल क्या हुआ? प्लेंटिफ। प्लेंटिफ कौन? मिसेज कार्लिल। उन्होंने केस किया किसके ऊपर? कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। तो केस लो याद रखना है, नोट डाउन इट, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। वेरी फेमस केस लो, बहुत जगह पर यूज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट केस लो आपके कॉन्ट्रैक्टेड का। चलिए चले आगे, चलिए चलते हैं आगे फटाफट। चलिए नेक्स्ट, स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर सम स्पेसिफाइड पीपल, स्पेसिफाइड पर्सन्स के लिए किया जा रहा है। स्पेसिफाइड पर्सन सपोज ओनली फॉर सी ए स्टूडेंट्स, यस ओनली फॉर सी एम ए स्टूडेंट्स, यस ओनली फॉर सी ए स्टूडेंट। क्या? जहां पर भी हो लिखा हुआ ओनली फॉर आपका स्पेसिफिक ऑफर, ओनली फॉर स्पेसिफाइड पर्सन के लिए होता है, जो स्पेसिफिक होता है। यस, ये केवल और केवल ये स्कीम जो है केवल और केवल आपके लिए है और किसी के लिए नहीं है। यस, किसको क्या बोला जाएगा? स्पेसिफिक। ये स्कीम किसके लिए? स्पेसिफिकली आपके लिए, ये ऑफर केवल और केवल आपके लिए। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, गेट ₹60 कैश बैक ऑन रिचार्ज ऑफ ₹50 ऑफ एयरटेल। सिंपल बात करते हैं, अगर आप एयरटेल सब्सक्राइबर है, आप एयरटेल के यूजर्स हैं, तो यस आप रिचार्ज कराते हैं कितना? ₹50 का। तो यस आप कितने रुपए का कैशबैक मिलेगा आपको? ₹60 का। ये ऑफर किसके लिए बच्चों? ओनली फॉर एयरटेल यूजर्स, नॉट फॉर वोडाफोन, नॉट फॉर आइडिया एंड नॉट फॉर एनीथिंग।
क्लियर। तो स्पेसिफिक ऑफर है, जिनके पास एयरटेल का होगा केवल वही इस प्रोमो कोड को यूज कर पाएंगे। सो इट विल बी कॉल्ड ए स्पेसिफिक पर्सन के लिए, ओनली फॉर पेट्रोल पंप्स के लिए कोई स्कीम है, भारत पेट्रोलियम के लिए स्कीम है, इन्हीं के लिए केवल। तो यस, ये कैसा ऑफर? स्पेसिफिक ऑफर। कैसा ऑफर? स्पेसिफिक, ये केवल और केवल उसी के लिए जिनसे इनको एक्सेप्टेंस लेनी है, केवल उसी को दिया जाता है। ये नॉट पब्लिक एट लार्ज नहीं होता, सॉरी पब्लिक एट लार्ज नहीं होता, ये क्या नहीं होता? पब्लिक एट लार्ज नहीं होता, ये स्पेसिफिक होता है। बात करते हैं, स्पेसिफिक ऑफर ऑन द अदर इज ओनली मेड टू स्पेसिफिक पार्टीज। क्या कह रहे हैं? ओनली मेड टू स्पेसिफिक पार्टीज, सो ओनली दे कैन एक्सेप्ट द ऑफर। यस, जिसको किया है वही तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, एयरटेल कस्टमर को दिया है तो यही तो ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और कौन करेगा? चलिए, दे आर ऑल्सो समटाइम नोन एज स्पेशल ऑफर, भी इनको बोला जाता है, नो प्रॉब्लम। स्पेशल स्पेसिफिक, एक एग्जाम्पल, ए एग्रीज टू सेल हिज हॉर्स टू बी फॉर रुपीज 500। ए कहा, ए ने, मैं अपना घोड़ा बेचना चाहता हूँ, किसको? केवल और केवल बी को। ओनली बी कैन एक्सेप्ट सच ऑफर बिकॉज इट इज स्पेसिफिक टू हिम, बी को ऑफर किया गया है तो बी ही केवल एक्सेप्ट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए स्पेसिफिक ऑफर, ओनली बी कैन एक्सेप्ट, और कोई नहीं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या कहते हैं, बात समझते हैं आगे। क्रॉस ऑफर, बड़ा अच्छा ऑफर है बच्चों, इतना अच्छा ऑफर है, मस्त ऑफर है, मजेदार ऑफर है, ध्यान समझिएगा। क्रॉस ऑफर बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। सपोज 1872 का केस है, ठीक है, आज भी पहले बता देता हूँ, ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है कब से आया है? 1872 से एप्लीकेबिलिटी हुई है, 1 सितंबर से, तो तभी से इसमें चीज चल रही है। उस टाइम पर आपका कोई व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, फोन ये सब नहीं होते, तो लोग कैसे एक दूसरे को बताते थे, मैं आपको अपनी ये चीज़ बेचना चाहता हूँ, मैं आपको वो अपनी वो चीज़ बेचना चाहता हूँ, बाय पोस्ट भेज देते थे। यस, और पोस्ट पहुँचने में थोड़ा समय लगता है। क्लियर? तो ये उस टाइप से रिलेटेड केस है, तो इसको ध्यान से समझना, क्या कह रहे हैं, पहले एग्जांपल समझते हैं, फिर अच्छे से मजा आएगा। क्या कहते हैं, इफ ए मेक्स ए प्रपोजल टू बी सेल हिज कार फॉर 2 लाख एंड बी विदाउट नोइंग द प्रपोजल, ध्यान से मेन बात इसमें क्या है, विदाउट नोइंग द प्रपोजल ऑफ ए मेक्स एन ऑफर टू परचेज द सेम कार एट 2 लाख फ्रॉम ए, मतलब ए बी को अपनी कार बेचना चाहता है कितने रुपए में? 2 लाख रुपए में, और बी वही कार खरीदना चाहता है कितने रुपए में? 2 लाख रुपए में, किससे? ए से। लेकिन पता नहीं है कि ए बी को ऑफर कर रहा है, ए बी को ऑफर कर रहा है, इन दैट केस क्या होगा, दोनों पार्टीज एक दूसरे को ऑफर कर रही है, लेकिन किस चक्कर में? एक ही चीज के लिए ऑफर कर रही है, लेकिन उन दोनों को आपस में नहीं पता है कि वो दूसरा पर्सन भी मुझे ऑफर कर रहा है सेम चीज की, वो दूसरा पर्सन भी मुझे ऑफर कर रहा है सेम चीज का ही, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन क्रॉस ऑफर। अब बात करते हैं, व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर, इग्नोरेंस ऑफ द टाइम, इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर, एक दूसरे के ऑफर को इग्नोर है, बेचारे जानते नहीं है। नंबर दो, इसमें क्या मेन बात है, आइडेंटिकल है, सेम है, और दूसरा इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस है किसके, एक ऑफर की इग्नोरेंस है दूसरे के ऑफर से, जानते नहीं है कि वो भी मुझे सेम ऑफर कर रहा है। चलिए बात करते हैं फटाफट, आपको बता ही रहा था मैं, ए मेक्स ए प्रपोजल टू बी सेल हिज कार विदाउट नोइंग द प्रपोजल ऑफ ए, बी नहीं जानते हैं कि ए ने उनको प्रपोज किया है, वो भी ऑफर करते हैं क्या, परचेज द सेम कार ए से 2 लाख रुपए में, तो यस एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं लेकिन केवल ऑफर कर रहे हैं। As B was not aware of proposal made by A, it is only cross proposal, cross offer. When two person make offer to each other, it cannot be treated as mutual acceptance. There is no binding contract. Binding contract तो नहीं हो रहा,
कॉन्ट्रैक्ट तो बाद में होगा, ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस होगी, एक्सेप्टेंस के बाद क्या होगा, एनफोर्सिबिलिटी होगी, तब कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्लियर, बात समझ में आया? इसमें क्या इंपॉर्टेंट, नंबर एक पॉइंट, आइडेंटिकल ऑफर, आइडेंटिकल ऑफर। अरे कुछ पेन में इशू, each other's दो पॉइंट बेसिकली, पहला आइडेंटिकल ऑफर, दूसरा इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर ऑफर, एक दूसरे के ऑफर से इग्नोर है, उन्हें पता ही नहीं। क्लियर, डन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, काउंटर ऑफर, ये बड़ा मस्त है। ये ऑफर किया और ऑफर की वाट लगा दी, मैंने कहा क्या यार मेरी कार खरीदोगे आप 2 लाख रुपए में, दूसरे बंदे ने कहा नहीं मैं तो खरीदूंगा 1 लाख रुपए में, देनी है, ऐसा कहा गया। मेरे ऑफर की वाट लगा दी मतलब मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और अपना ही ऑफर दे दिया, मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और अपना ही ऑफर दे दिया, कैसे, इसको बोलेंगे काउंटर ऑफर। एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा Will you purchase my dog for ₹200? क्या आप मेरा कुत्ता खरीदेंगे कितने रुपए में, 200 में। दूसरा पर्सन कहता है नहीं, नहीं तो बोल ही नहीं रहा। दूसरा कहता है क्या आप मेरी बिल्ली खरीदेंगे 20 रुपए में। कुत्ते की तो बात ही नहीं सुन रहे हैं, अभी बात किसकी आ गई है, बिल्ली की बात आ गई है, डॉग को छोड़कर सीधा कैट पर आ गए, क्या आप मेरी बिल्ली खरीदेंगे 20 रुपए में। अब मैं सोचता हूँ यार क्या करूँ, ये वाला ऑफर कैसा होगा, मेरे ऑफर की तो क्या लग गई वाट, मेरे ऑफर की क्या लग गई वाट, जहाँ पे लग जाएगी वाट उसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। मेरा मेरे ऑफर जैसे मैंने कहा उसको वैसे एक्सेप्टेंस नहीं किया, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ कंडीशन, कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन, कुछ ना कुछ रॉक टॉक ऐसी हो गई, तो उसको क्या बोला जाता है काउंटर ऑफर कहा जाता है, उस ऑफर को क्या बोला जाता है काउंटर ऑफर कहा जाता है। कैसे, एग्जांपल, ए ऑफर्स टू सेल हिज प्लॉट टू बी फॉर 10 लाख, व्हिच ऑफर एग्रीज टू बाय इट फॉर 8 लाख, एज इट इज अगर ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो, यस ऑफर दिया, एक्सेप्टेंस दिया, ऑफर एक्सेप्टेंस वैलिड, सब कुछ बढ़िया बातें और चीजें ओके और एनफोर्सिबिलिटी यस, लेकिन जब किसी ऑफर के अगेंस्ट में अगेन कोई ऑफर आ जाए उसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। मतलब ए ने ऑफर दिया किसको, बी को, कितने रुपए में खरीदेगा, 10 लाख रुपीज में, बी ने उसको कहा मैं खरीदूंगा कितने में, 8 लाख रुपीज में। पहले केस में क्या था, ए ऑफर कर रहा था, फर्स्ट केस ए वाज ऑफर, बी वाज और बी था ऑफरिंग, लेकिन सेकंड केस में क्या रहा, व्हेन बी सेज दैट आई विल परचेज इट फॉर 8 लाख, इस केस में बी क्या हो गया, अब एक्सेप्टेंस किसको देना है, और ए क्या हो गया ऑफरिंग, ये सब कहता है यस मैं खरीद तो लूंगा लेकिन 8 लाख रुपीज में, अब इसको क्या बताता है काउंटर ऑफर, क्योंकि पहला ऑफर तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, एंड हो चुका है। इट मे रिजल्ट इन गैरेज, क्या इट अमाउंट टू काउंटर ऑफर, क्या ए ने कहा बी को, बी ने कहा लेकिन मैं इसे 8 लाख में खरीदूंगा, इसको बोला जाता है इट मे The termination of an offer of a, yes, simply it's a termination है किसका, A ने जो offer किया, और and if B agrees to buy the plot for 10 rupees, if later B agrees to buy the plot for 10 lakhs, yes, ये offer तो कहा जाएगा क्या, simple offer
माना जाएगा एक्सेप्टेंस, माना जाएगा नो प्रॉब्लम और केस खत्म। बाद में भी क्या हो सकता है, बाद में भी क्या, लेटर बी एग्रीज टू बाय द प्लॉट फॉर 10 लाख, ए में रिफ्यूज। पहला केस क्या करें, ए ने बी को कहा 10 लाख में खरीदोगे, यस, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया बल्कि ये कहा मैं तो 8 लाख में खरीदूंगा, यहीं पर काउंटर ऑफर होगा, मतलब मेरी बात को रिजेक्ट किया गया, मेरी बात में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी गई, दैट विल बी कॉल्ड एज काउंटर ऑफर। बाद में बी कह देते हैं नहीं मैं 10 लाख में खरीदा, नाउ इट्स एन ऑप्शन विद ए टू सेल और नॉट, क्लियर। चलिए अब आते हैं पढ़ते हैं। देयर विल बी टाइम व्हेन अ प्रॉमिस विल एक्सेप्ट पार्ट्स ऑफ एन ऑफर एंड चेंज सर्टेन टर्म्स ऑफ ऑफर, यस, कुछ टर्म्स भी चेंज हो सकते हैं, कुछ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस भी होते हैं, क्वालिफाइड मतलब कुछ कंडीशंस भी होते हैं, दिस इज नोन एज काउंटर ऑफर। कुछ कंडीशन अगर लगा दी थी, इट विल कॉल्ड एज काउंटर ऑफर अमाउंट टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। ओरिजिनल ऑफर का क्या है, रिजेक्शन है 100%, क्या है रिजेक्शन है किसका, ओरिजिनल ऑफर का रिजेक्शन है, बिल्कुल। सेम ऑफर अगर एक्सेप्ट हो जाए तो ठीक है, नहीं हो रहा है उसके अगेंस्ट में कोई ऑफर आ रहा है तो यस, अब क्या है, क्या है इसको क्या बोलेंगे, काउंटर ऑफर, रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। आपको एग्जांपल में दिया ऑफरर और ऑफरी चेंज हो जाएंगे अब, यस, या तो मना कर देगा या कुछ कंडीशन लगा देगा, कुछ ना कुछ कंडीशन लगाएगा तभी ऑफर क्या है, या मना कर देगा तो ही ऑफर है, मना नहीं, उस ऑफर जो उन्होंने किया है उस ऑफर के अगेंस्ट में कुछ ऑफर दे देगा तो यस उसको बोलेंगे काउंटर ऑफर। क्या बोलेंगे, काउंटर ऑफर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, छोटा सा बिल्कुल स्टैंडिंग ऑफर, ऑफर ने क्या, आप इतने समय तक एडमिशन ले सकते हैं, लास्ट डेट फॉर एडमिशन, आई थिंक सम प्रॉब्लम हो रही है पेन में, कोई बात नहीं दिखा लेंगे आज ही कुछ बार बार। लास्ट डेट फॉर एडमिशन इज 20th February, किसी भी एग्जाम में CA CS CMA में आपको एग्जाम देने हैं तो यस लास्ट डेट ऑफ एडमिशन इज 20th February, तो यस आप 20th फरवरी के लिए ऑफर कैसा है, ओपन है, बिल्कुल, कंटेनिंग है, यस, स्टैंडिंग है, यस, एनीबडी कैन एक्सेप्ट इट, यस एक्सेप्टेड, लेकिन मेन चीज क्या है, इसमें स्पेसिफिक टाइम है बच्चों, जो टाइम फ्रेम फिक्स कर देगा ना, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। ये चीज क्या बोली जाएगी, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फिक्स है, जब पीरियड ऑफ टाइम है तो यस इट विल बी कॉल्ड एज ऑफर, यस, केवल और केवल सेल लगी हुई है, कब तक, केवल और केवल आज के लिए, ऑनलाइन बहुत सेल्स चलती हैं, आप कह देते हैं यस अभी सेल आने वाली है, इतने देर तक ये सेल चल पाएगी, यस, सेल का जो टाइम फ्रेम फिक्स है इस डेट से इस डेट तक, तो ही वो सेल कंटिन्यूइंग सेल कही जाती है, ओपन ऑफर है, कोई भी उसमें जा सकता है, कोई भी उसको ले सकता है, स्टैंडिंग ऑफर है, इस डेट के बाद सेल में नहीं मिलेगा वो प्रोडक्ट आपको, तो यस ऐसे टाइप को क्या बोला जाता है, ऐसे टाइप को बोला जाता है स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर, यस। क्या कह रहे हैं, एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग या कंटिन्यूइंग या ओपन, कुछ भी बोल सकते हैं। टेंडर्स डेटर इन स्टैंडिंग, टेंडर का मतलब क्या होता है थोड़ा सा बच्चों, सपोज हमें किसी कंपनी को ACs लेने हैं, कंपनी वॉन्ट टू परचेज AC, तो कंपनी क्या कहती है, कंपनी की एडवर्टीजमेंट देती है कि यस हमें 10 ACs की रिक्वायरमेंट है, इंटरेस्टेड persons, इंटरेस्टेड सेलर, इंटरेस्टेड suppliers, प्लीज contact। तो सब सेलर जो होते हैं वो अपनी एक शीट बना कर देते हैं, वर्कशीट बना कर देते हैं, उसमें लिखते हैं ये AC है, इतना इसका प्राइस है, इतनी इसकी
वारंटी है, गारंटी है, सारी डिटेल बनाकर देते हैं। तो वो जो जो सब बनाकर देते हैं, वो कंपनी ने बताया कि आप अपना जो भी भेजना है मुझे रिपोर्ट कर देना विद इन 10 डेज, लास्ट डेट लिखते हैं, इस डेट तक आप मुझे ऑफर बता देना, इस डेट तक आप मुझे बता देना फाइनल, आप इतना प्राइस में मुझे ये एसी दे पाएंगे। तो यस, वो जो डेट बता देंगे लास्ट डेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तक, उस डेट को बोला जाएगा स्टैंडिंग ऑफर। और जो भी सप्लायर अपनी कोटेशन वी कैन से जो देंगे कंपनी को, दैट विल बी कॉल्ड एज टेंडर के अगेंस्ट में दिया जाएगा, टेंडर इनवाइट किया जाएगा, यस, या एसी को ओपन करने के लिए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेंडर। क्लियर? चलिए बात करते हैं अब ऑफुल, ये हमारा खत्म हो गया है और हम इसको एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं, क्लास भी तो ओवर करना है। क्लियर? जल्दी जल्दी तो खत्म करते रहेंगे, समझते रहेंगे। चलिए आ रहे फटाफट, क्या कह रहे हैं सुनेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर क्या कहते हैं? अच्छा, उससे पहले ऑफर, सबसे पहले ऑफर विल यू मैरी मी। क्लियर? और दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, दूसरे पर्सन की इच्छा को रोकने के लिए, मतलब उसको किसी बात को मना करने के लिए। यस, वो कहता रणवीर और दीपिका का एग्जाम्पल पढ़ा था कि यस, आप ये काम नहीं करोगे तो मैं आपको 5 लाख रुपीज पे करूंगा। दोनों केसेस में वो क्या था, ऑफर। फिर हमने बात किया क्या है, विलिंगनेस होनी चाहिए, मैं शादी करना चाहता हूँ बाय द एंड ऑफ 2020, क्या ये आपका ऑफर माना जाएगा? आंसर इज नो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, पर्टिकुलरली किसी पर्सन को बोलता है तो यस, इट विल बी कॉल्ड एन ऑफर। यस, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बताए क्या हो सकते हैं। यस, पॉजिटिव आप किसी काम के लिए पूछ रहे हैं, नेगेटिव आप किसी काम के लिए पूछ रहे हैं लेकिन नेगेटिव सेंस में, आप उस काम को मना कर रहे हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन, जनरल ऑफर ओपन टू ऑल, जनरल ऑफर ओपन टू ऑल। केस पढ़ा कौन सा, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, बोलेंगे मेरे साथ साथ, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, फिट हो जाएगा यहाँ। यस, किसके लिए होता है, पब्लिक एट लार्ज के लिए होता है, जिस कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है। फेमस केस लॉ वाज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, आपको बताया भी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, स्पेसिफिक, किसी स्पेसिफाइड पर्सन के लिए, स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, स्पेसिफिक लोगों के लिए, एग्जांपल आपको दिया मैंने, किसके लिए है, ओनली फॉर एयरटेल यूजर्स के लिए है, केवल और केवल उन्हीं के लिए दिया जाएगा। ए अपना हॉर्स बेचना चाहते हैं बी को 5,000, केवल और बी ही उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर में बात क्या था, आइडेंटिकल ऑफर है और इग्नोरेंस है ईच अदर्स ऑफर, इग्नोरेंस है दोनों के ऑफर, ठीक है, एक दूसरे को ऑफर कर रहे हैं, पता नहीं है कि दूसरा पर्सन भी मुझे ऑफर कर रहा है। नेक्स्ट इज काउंटर ऑफर, काउंटर अटैक, काउंटर ऑफर क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ कंडीशन लगा दिया, कुछ ना कुछ क्वालिफाइड लगा दिया, रिजेक्ट कर दिया कौन सा, ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्शन दे दी, तो यस इट विल बी कॉल्ड एज काउंटर ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर ओपन वैलिड फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, वैलिड फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, इस समय से इस समय के लिए ओपन रहेगा, उसके बाद ओपन नहीं रहेगा। क्लियर? सिंपली लास्ट डेट एडमिशन की ये, यू वॉन्ट टू अवेल दिस डिस्काउंट, यस यू हैव टू अप्लाई टिल दिस डेट, अदरवाइज उसके बाद आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। ऐसे कुछ जहाँ भी लिखा हो, जहाँ भी बताया हो, यस, जो एक टाइम पीरियड के लिए होते हैं, टाइम फ्रेम के लिए फिक्स रहते हैं, दे आर कॉल्ड स्टैंडिंग ऑब्लिक ओपन ऑफर। ओके, आज के लिए इतना ही बच्चों, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।